नमस्कार फ्रेंड्स, मु शक्ति आपन देखुंत नरसिंहा क्रिएशन स्पेशल। तो फ्रेंड्स, आज भिडियो बर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण मैंने समस्ते जान रखा निहाती दरकार। तेज कौन रही आज भिडियो बर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण मैंने जानवापी भिडियो को शेष पर्यटन देखूँ जहाँद्वारा कि आपने डिटेल्स इनफर्मेसन पारे। और फ्रेंड्स, तापूर्व यह भिडियो गोटे लाइक करूँ जदि पार्टी आपंगसाथी को भिडियोटी को सेयार करनी। जदि फ्रेंड्स आपम चैनल नुआ ही भिडियो देखुंत पूर्व केवी आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसवा बेल आइकन को बजे रखता। तो फ्रेंड्स, नंबर वन रही नुआ संसद भवन में उड़ला तिरंगा पताका उत्तोलन कले उपराष्ट्रपति। संसदर स्वतंत्र अधिवेशन पूर्व पार्लियामेंटर नुआ बिल्डिंग रे उड़ला तिरंगा। आसंता काली संसदर स्वतंत्र अधिवेशन आरंभ होता बेले एहा पूर्व संसदर नुआ बिल्डिंग रा गजद्वार रे अनुष्ठित होछि पताका उत्तोलन उत्सव। तबे गजद्वार रे तिरंगा पताका उड़ाइछंती उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़। एहि अवसर रे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, संसदीय व्यापार मंत्री प्रहलाद जोशी, केन्द्रमंत्री भी मुरलीधरन, पीयूष गोयल, अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और प्रमोद तिवारी प्रमुख उपस्थित थे। तेज कार्यक्रम में अनुपस्थित थे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। सीडब्ल्यूसी बैठक लगे से एवं हाइद्राबाद कार्यक्रम में जोग दे पारिना। अधिक प्रवृत्ति खबर, नवम दिन में शिक्षक आंदोलन गीत बोली हुहुली पकाई सरकार को देले चेतावनी। तीन दफा दाबी नहीं नौ दिन है धारण में बसी रही प्राथमिक शिक्षक संघ। विद्यालय बंद जो शिक्षादान संपूर्ण ठप हो पड़ता बेले वर्तमान सरकार विद्यालय खोलिया और मध्याह्न भोजन अंगनवाड़ी कर्मी सहायता ने सूचना मिली। सेपटे जिलार सरकारी उच्च विद्यालय शिक्षक संघ पक्ष पुराणा पेनसन लागू और छटी न्यासनाल इनक्रिमेंट दाबी कर। अधिका प्रवृत्ति खबर, जानतु क्यों बस क्यों पटे जीव। नेताजी बस टर्मिनाल गरीब बस आज बंद हे बादामबाड़ी समेत चार बस स्टाण। जानतु क्यों बस क्यों पटे जीव। कटकर बहु प्रतीक्षित खाननगर नेताजी बस टर्मिनाल गत काली मुख्यमंत्री उद्घाटन करने पुराणा बादामबाड़ी बस स्टाण समेत चार बस स्टाण को आसंता काली बंद कर। संक्रांत में कटक आंचलिक परिवहन अधिकारी कार्यालय पक्ष एक विज्ञप्ति प्रकाश पाई। तेज बादामबाड़ी पुराणा बस स्टाण, पालामंडप स्थित पुरी बस स्टाण, बादामबाड़ी स्थित पारादीप बस स्टाण और अनुगुल बस स्टाण को आसंता काली बंद कर दिया। तेज से हीपरी समस्त बस स्टाण रु गढ़ुवा घर सरकारी तथा मो बस गुड़िक आसंता काली नेताजी बस टर्मिनाल गढ़ा बाध्यतामूलक होछे। एणु यह व्यवस्था को अनुधान करने आरटीओ पक्षर एनफोर्समेंट टीम कर आसंता 17 तारीख रु 24 तारीख पर्यंत अथवा स्थिति स्वाभाविक होगा पर्यंत यह एनफोर्समेंट जारी रहा। जूनियर एमवीआई नेत्रानंद मिश्र, ट्राफिक इन्स्पेक्टर रंजन कुमार दोरा और सेमानक टीम पुराणा बस स्टाण और नेताजी बस टर्मिनाल रे रही तदारख करने सहित समस्त बस जेपर नेताजी बस टर्मिनाल को जीव ताहा सुनिश्चित करिबे। उपरोक्त निष्पत्ति उल्लंघन क्षेत्र में संपृक्त बस मालिकों विरुद्ध में कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण पर पदक्षेप निजी आरटीओं कार्यालय पक्ष कहुई। तेज क्यों बस क्यों पटे जीव। कटक घर बस मालिक संघ सह आलोचना पर बसगुड़ी नेताजी बस टर्मिनाल विभिन्न आनुषंगिक व्यवस्था होइछे। पुरी, भुवनेश्वर, नियाली, खोर्धा, ब्रह्मपुर, गजपति, कोरापुट, रायगड़ा, नयगढ़, फुलपाणी, बौद्ध, सोनपुर, बलांगीर, भवानीपाटना आदि दक्षिण, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम अभिमुखे जाउथवा बसगुड़िक नेताजी बस टर्मिनाल मुख्य फाटक बाहरी रिंग रोड रे बाम पार्श्व को जाई 16 नंबर जातीय राजपथ दे जीव। अन्य स्थान को जाउथवा बसगुड़िक रिंग रोड रु डाहाण पटु जाई बादामपाड़ी दे जातीय राजपथ धरिबे। सेहीपरी बांकी, आठगढ़, नरसिंहपुर आदि अंचल को जाउथवा बसगुड़िक रिंग रोड रे जुडिशियल एकेडमी दे नेताजी सेतुरु तिसुड़ा बाहरिबे। अधिका प्रवृत्ति खबर, धुआरे मोदी फटो आंकिले ओडिया शिल्पी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23वां जन्मवार्षिकी एक नियारा चित्र आंकिछंती ओडिया चित्रकार। तबे कटकर चित्रकार दीपक विश्वाल धुआरे प्रधानमंत्री मोदी एक फटोचित्र आंकिछंती। एथिसित यार पृष्ठभूमि रे कोणार्क सूर्य मंदिर चक्रर एक सुंदर चित्र मध्य आंकिछंती। ताकर नियारा चित्र विषय में सूचना दे दीपक कहिछंती, मो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23वां जन्मदिन रे तांको शुभेच्छा जणाइबापई एक धुआ चित्र आंकिछि। तबे चित्र रे मो कोणार्क चक को मध्य चित्रण करिछे जहाँ ओडिशार चमत्कार संस्कृति और ऐतिह्य को प्रतिनिधित्व करुछे। कोणार्क चक्र आगरे G20 रात्रि भोजन रे विश्व नेता तथा प्रतिनिधि को स्वागत करिथिले। एहा हमपई गर्वर विषय। अधिका प्रवृत्ति खबर, अकाउंट रे टंका नथिले भी करिपरिबे पेमेंट। अकाउंट रे टंका नथिले भी यूपीआई साहाज्य रे करिपरिबे पेमेंट।
तबे जानि रखंतु किपरि आपण किछि गुरुत्वपूर्ण कामरे बाहर को जाउछंती एवं आपनकु 100 टंका रा पेमेंट देबार अछि तबे किंतु आपनक अकाउंट रे केवल 99 टंका 90 पैसा रहिछे। एही असुविधा रे अनेक लोक समीकरण होइछंती तबे किंतु वर्तमान एही परि घटना गुडी करे किबा अकाउंट रे शून्य बैलेंस थिले मध्य आपण यूपीआई आप साहाज्य रे पेमेंट प्रदान करि परिबे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई समस्त बैंक को समान को ग्राहक को यूपीआई रे शून्य बैलेंस थिले मध्य पेमेंट करिबार सेवा प्रदान करने को निर्देश देछे जहाद्वारा ग्राहक माने पेमेंट करने समय हिरो रहिबे। वास्तव में एबे आरबीआई बैंक गुड़ को यूपीआई सहित बाय नाउ पे लेटर भली सेवा जोड़ा को कहिछे। यह यूपीआई नाउ पे लेटर सेवा भाव में जनाशुना हेबो। एही बैंक ग्राहकों को अकाउंट खाली थिले मध्य यूपीआई माध्यम रे पेमेंट करने को अनुमति देबो। देखा परवर्ती खबर सौम्य रंजन पटनायक नारे ईओडब्ल्यू रे मामला रुजु। ईस्टर्न मीडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा संवादर पूर्वतन कर्मचारी अभियोग क्रमे क्राइम ब्रांचर अर्थनैतिक अपराध शाखा ईडब्ल्यू रे मामला रुजु। मामलें संवादर मुख्य संपादक सौम्यरंजन पटनायक और मानव संबल विभाग मुख्य बैजंती कर अभियुक्त कर विरोध में भारतीय दंडविधि आईन 506/467 468 471 420 एवं 120 खधार में मामला रुजु हो क्राइमब्रांच ईडब्ल्यू एवं अभियुक्त को डाक जेरा करापड़े। सूचनाजोग्य गतकाली अपराह्न में संवादर जड़े पूर्वतन जिला प्रतिनिधि सौम्यरंजन पटनायकों विरोध में शोषण निर्यातना और बैंक घोटाला नहीं अभियोग आनी ईस्टर्न मीडिया मानव संबल अधिकारी विरोध में चाकरी बहिष्कार करने धमक विभिन्न अभियोग करते। देखा परवर्ती खबर जंगल बाघुणी जंगल को नष्ट कला। गोटे जंगल नष्ट करी एबे आउ गोटे जंगल को जाउछंती बाघुणी कविता। गोटे जंगल नष्ट करी आउ गोटे जंगल जाउछी बाघुणी। जंगल बाघुणी को देखी एबे बड़ बाबू भयर थर रहउछंती। खबर प्रसारण परे एबे रागी जाइछी बाघुणी। जंगल रु तड़ा खाइले भी जंगल छाड़ी जाउनाहंती बाघुणी। हाँ दर्शक बंधु एबे बाघुणी हेउछंती बनरखी कविता बेहरा। मैडम को ना सुनिबा मते भयर थरी उठंती एसीएफ डीएफओ ओ रेजर। तेबे मैडम जनक छोट रैंक थी भी बड़ बड़ बाबू को निद हजाई दिंती। एवं कविता बेहरा जंगल रु तड़ा खाऊ किंतु जंगल छाड़ी जमा भी जाऊना बनरखी कविता बेहरा को अनेक दिन हेब जंगल छाड़ी जावाक कहुचे। सात कोशिया रेंजर करंजिया रेंज को ट्रांसफर कर कविता। तेरे जमीन में चाषी मैंने दीर्घ दिन हेब चाष कर आसुते हेले मैडम जमीन में कंटा बाड़ निजर अख्तियार रखिंट आउ अंचलवासी को कहते ये हेर जमी हेले ये हूँ सरकारी जमी चाष करने चाषी मैंने निजर जमीन में हईराण होती एभली किसी अभोग आंचलवासी। तेब बनरखी मैडम कविता बेहरा को किए दे सुरक्षा कोटी कोटी टंकार गच बिक्री पैसा कौन करतकोशिया जंगल रू के गच का बेआईन भाव रोजगार करुवा टंका कहना रखिंट सब टंका कविता बेहरा नहीं बड़ बाबूंर यह पचरा हाथ अच्छी एभली नाना प्रश्न एवं उंकी मारुछे। एही सब प्रश्नर उत्तर सेतबेले जनापड़िबो जेतबेले वन विभाग तदंत आरंभ करिबो। देखा परवर्ती खबर आजिठर विश्वकर्मा योजना कलाकार एवं हस्तशिल्प को प्रधानमंत्री मोदी उपहार। आज कार्यकारी हेबो विश्वकर्मा योजना वृत्तिर विकास पई मिलिबो आर्थिक सहायता। तेबे कलाकार एवं हस्तशिल्प विकास पई विश्वकर्मा योजना विश्वकर्मा को पूजा उपलक्षे आज योजनार शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। एही योजना 13,000 कोटी टंका व्यय अटकल कर 5 वर्ष कलाकार एवं हस्तशिल्प आर्थिक सहायता प्रदान कर अंतर्भुक्त होगापी कलाकार पीएम विश्वकर्मा पोर्टाल पंजीकरण करने पड़े। पंजीकृत हस्तशिल्प पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट सहित आईडी कार्ड प्रदान करा प्राथमिक प्रशिक्षण दिजिव 15,000 टंकार टूल किट प्रदान करसत प्रथम पर्यायर 1,00,000 पर्यंत और द्वितीय पर्यायर 2,00,000 टंका पर्यंत ऋण जोगाइ दिजिव एम 5% सुध देवाक पड़ यार भितर गतकाली भुवनेश्वर कपिलेश्वर अंचल कलाकार और हस्तशिल्प को भेटिंट रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से आलोचना करने सुविधा असुविधा पचारि बुझे। कुंभार और पत्थर काम करुवा हस्तशिल्प को परंपरा को बजाय रखा योजना केन्द्रमंत्री एस शिल्पों द्वारा प्रस्तुत हाथ तैयारी दीप किणी केन्द्रमंत्री। देखा परवर्ती खबर ईरानी गैंग आउ जड़े अभियुक्त गिरफ तमांटर देवानंद जेना को गिरफ्त कला पुलिस। ईरानी गैंग आउ जड़े अभियुक्त को गिरफ्त कर पुलिस तमांटर देवानंद जेना को गिरफ्त कर बोलगढ़ प्रशांत पटनायक मामला आधार में देवानंद को गिरफ्त कर
यार भितर कमिशनरेट पुलिस ईरानी स्वामी को पांच दिनिया रिमांड ने कोर्टों अनुमति लोड़े। भुवनेश्वर एसडीएम कोर्ट अनुमति देले ईरानी स्वामी निशिकांत को रिमांड ने पचराउचरा आमती योजनाबद्ध भाव हनी ट्राप फसाई टंका लुटी रहस्य भेद कर पुलिस। ईरानी ईरानी स्वामी और सहयोगी मोबाइल कल हिस्ट्री अनेक तथ्य कमिशनरेट पुलिस को मिल पाए। हनी ट्राप जरिया ब्लाकमेल कर टंका लुट करते ईरानी गैंग। अधिक प्रवृत्ति खबर सुंदरगढ़ रे स्कॉप टाइपस भय। सुंदरगढ़ को घारी स्कॉप टाइपस भय। जिले में आउ एगार पॉजिटिव चिन्हट 180 रे पहुंचला आक्रांत संख्या। सुंदरगढ़ को टेंशन स्कॉप टाइपस। जिले में आउ एगार पॉजिटिव चिन्हट होती। गतकाली परीक्षा पई पठा जाइथुआ नमूना मधुरु एगारटी नमूना पॉजिटिव आसी। जिला स्कॉप टाइपस पॉजिटिव संख्या 180 रे पहुंची। यार भितर जड़े रोगी जीवन नहीं स्कॉप टाइपस। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहते हॉस्पिटल में पर्याप्त औषध महजूद रखा स्वतंत्र डाक्तरी दल प्रस्तुत हो रही। अधिका प्रवृत्ति खबर कोरोना ठू अधिक घातक निपा। केरल में निपा भाइरस भय सतर्क रहा आईसीएमआर। कोरोना ठू अधिक घातक निपा तेज 4 वर्ष पर केरल को फेरी भयंकर भाइरस निपा। तीन जन मृत्यु और 7 अधिक संक्रमित चिन्हट पर भय बढ़ुचे और भाइरस को नहीं आशंका घनीभूत होते सतर्क कराई आईसीएमआर। आईसीएमआर डीजी राजीव बहल कहते कोरोना ठू निपा भाइरस मृत्यु हार अधिक रहा आशंका रही। तेज जो कोरोनार मृत्यु हार 2-3% रोला सेठे निपा संक्रमित मृत्यु हार 30-40% आशंका रही है। यदि सहित आईसीएमआर डीजी कहते खूब शीघ्र निपा टीका प्रस्तुत उपर काम चली खूब शीघ्र मिलवा संभावना रही है। तेज निपा भाइरस संक्रमण वृद्धि होार मुकबाला सरकार अस्ट्रेलिया 20 डोजर मोनोकोलोनाल आंटीबडी आणवे। तेज 2018 किसी आंटीबडी अणा जाता बेले निपा संक्रमित सुस्थ होते सेपटे केरल में संक्रमण वृद्धि को दृष्टि रखी समस्त शिक्षानुष्ठान 24 सेप्टेम्बर पर्यंत बंद रखा निर्देश दि जाए। राज्य स्वास्थ्य मंत्री बीना जज केरल निपार स्थित को नहीं सूचना देते। कोझिकोड त्रिशूर मल्लपुरम यायनाड में सबुठ अधिक संक्रमित चिन्हट होते। अधिका प्रवृत्ति खबर राज्य में नहीं बन्या स्थिति। राज्य में बन्या स्थिति नहीं। उपर मुंडरे वर्षा जो तली अंचल पशिच्छी पा जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री सूचना। उपर मुंडरे वर्षा जो तली अंचल पा पशुचे किंतु राज्य में बन्या स्थिति नथिबा सूचना देते जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री। बर्तमान हीराकुद को 4,50,000 क्यूसेक जल प्रवेश करुचे। 4,55,000 क्यूसेक जल निष्कासित होती। मोट 26 गेट दे बना जल निष्कासित होती। उपर मुंडे वर्षा जो खोलुची हीराकुद गेट मुंडली 7,00,000 क्यूसेक बना जल निष्कासित होती। आउ 2-3 दिन एभली पा निष्कासन जारी रही। तली अंचल किसी स्थान में पा पशिचे एने एसआरसी जोजोग से कहते समस्त विभाग अधिकारी को सतर्क कर स्थित उपर नजर रखा से कहते। अधिका प्रवृत्ति खबर सतर्क रुह 3 दिन प्रबल बर्षिव। भुवनेश्वर पानीपाग केन्द्र सतर्क सूचना 8-20 पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षा। तेज प्रबल वर्षा आज बेहाल हो पड़ी तैथनगरी। संध्या 6 पाखापाखि 1 घंटा समय धरी भुवनेश्वर और कटक घड़घड़ी सांग को कलाहांडिया मेघ मारी आसी फल मात्र अल्प समय मध्य ट्विन सिटर गलिकंदी में वर्षार लहरी देखा मिली। अनेक स्थान में पा जमिया सहित जनसाधारण जातायात करे असुविधार सम्मुखीन होता जमापड़ा। तेज आगक राज्यवासी पुणी वर्षार कलबल होगा जाऊँच आसंता 8-20 तारीख पर्यंत 3 दिन धरी राज्य में प्रबल वर्षा अनुभूत हो। उत्तर पूर्व तत्संलग्न पूर्व केन्द्रीय बंगोपसगर वायुमंडल अंचल जहाँकि 4.5-7.6 किलोमीटर उच्चता मध्य एक घूर्णवलय सक्रिय रही जमापड़े। तार प्रभाव में उत्तर बंगोपसगर 18 तारीख बेलू एक लघुचाप क्षेत्र संभव रही है। एने भुवनेश्वर पापाग केन्द्र तरफ सतर्क सूचना जारी कर तेज 18 तारीख राज्य में खोर्धा नयगढ़ अनुगुण बौद्ध कंधमाल गंजाम आदि जिले में प्रबल वर्षा हेबार संभव रही बेले मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर भद्रक ढेंकानाल केन्द्रापड़ा कटक अनुगुण जाजपुर पुरी खोर्धा गंजाम बौद्ध कंधमाल रायगढ़ जगत सिंहपुर मलकानगि कोरापुट गजपति आदि जिलार किसी स्थान में वर्षा सह वज्रपात संभव रही है। तेणु यह सब जिला येलो वार्निंग जारी कर 19 तारीख में कोरापुट मलकानगि पुरी खोर्धा गंजाम नयगढ़ कंधमाल नवरंगपुर किसी स्थान में प्रबल वर्षा हे सह मयूरभंज केन्दुझर अनुगुण जगत सिंहपुर खोर्धा नयगढ़ पुरी रायगढ़ किसी स्थान में वर्षा हेरा संभावना रही है। तेणु यह सब जिला विभाग पक्ष येलो वार्निंग जारी कर 20 तारीख में मयूरभंज जाजपुर कटक खोर्धा नयगढ़ पुरी बौद्ध कंधमाल गंजाम गजपति कलाहांडी रायगढ़ कोरापुट मलकानगि नवरंगपुर किसी स्थान में प्रबल वर्षा हेरा संभव थी समस्त जिला येलो वार्निंग जारी कर
ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ 7-11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଖବର ଦେଶ ବିକିବାକୁ ସିକ୍ରେଟ ଡିଲ୍ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। କଣ ଏଥିପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ? ମାନଚିତ୍ରରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ନଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲା ବିଜେପି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଏବେ ନିଜେ ଫସିଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଏକ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ ଭିଡିଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ମାନଚିତ୍ର ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦ ଉପୁଜିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଟକ୍ଷ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ବିକି ଦେବାକୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ଡିଲ୍ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି। ଏହି ଭିଡିଓରେ କଂଗ୍ରେସ 1975 ମସିହା ବଲିଉଡ୍ ସିନେମା ଦିବାରର ମୋ ପାଖରେ ମା ଅଛି ଡାଇଲଗ୍ର ପୁନଃ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଶଶି କପୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅଧିକା ପ୍ରତି ଖବର ଏୟାରଟେଲ୍ ଆଣିଛି ଦମଦାର ଅଫର। ଏହି ତିନୋଟି ନୂଆ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିଲା ଲଞ୍ଚ। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏୟାରଟେଲ୍ ଅନ୍ୟତମ। ଏୟାରଟେଲ୍ ନିଜର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଏୟାରଟେଲ୍ ୟୁଜର୍, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। କମ୍ପାନୀ ନିଜର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ତିନୋଟି ନୂଆ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଯୋଡ଼ିଛି। ନୂଆ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସେହି ୟୁଜର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ରେ ୟୁଜର୍ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ 1 GB କିମ୍ବା 1.5 GB ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ। ଏୟାରଟେଲ୍ର 209 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ୍। ଏୟାରଟେଲ୍ ନିଜର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ 209 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ର ବୈଧତା ମାତ୍ର 21 ଦିନ ଅଟେ। ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ 1 GB ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ସହିତ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ ଭଏସ୍ କଲିଂ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆପଣ 100 SMS ପଠାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଫ୍ରି ହ୍ୟାଲୋ ଟ୍ୟୁନ୍ସ ଏବଂ ୱିଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଏୟାରଟେଲ୍ରେ 239 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ୍। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାରଟେଲ୍ 239 ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ର ବୈଧତା 28 ଦିନ ଅଟେ। ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ 1.5 GB ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ସହିତ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ ଭଏସ୍ କଲିଂ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ପ୍ରତିଦିନ 100 SMS ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏୟାରଟେଲ୍ର 265 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ୍। ତେବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି ଏୟାରଟେଲ୍ର 265 ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ର ବୈଧତା 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟେ। ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ 1.5 GB ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ସହିତ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ ଭଏସ୍ କଲିଂ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ପ୍ରତିଦିନ 100 SMS ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଅଧିକା ପ୍ରତି ଖବର ଡିସେମ୍ବର 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ଆଧାର ସଂଶୋଧନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଧାର ସଂଶୋଧନ ସମୟସୀମାକୁ ଆଉ 3 ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଆଧାର ପରିଚୟପତ୍ରରେ ସଂଶୋଧନ ଲାଗି ବିନା ଦେୟରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଡିସେମ୍ବର 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଧାର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ 2 ଥର ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ UIDAI ପୋର୍ଟାଲ୍ ଜରିଆରେ ଆଧାର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉଛି। ଅଧିକା ପ୍ରତି ଖବର ଘରେ ବସି କରିପାରିବେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ। ଆଟିଓ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଘରେ ବସି ଏପରି କରିପାରିବେ ନିଜର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ। ଆପଣ ଏକ ବାଇକ୍, କାର୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେବେ ଜଣକୁ ଆର୍ଟିଓ ଯାଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେତୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଥାପି ଶାରୀରିକ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ପରିବହନ ବିଭାଗର ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଲାଇସେନ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ସଠିକ୍ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦାଖଲ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସହାୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଇ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୟ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକା ପ୍ରତି ଖବର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଧୋଇ ନେବ ବର୍ଷା। ଇଣ୍ଡିଆ ଭିଏସ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇଯିବ କି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍? ଆଜି ଏସିଆ କପ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ମହାମୀ ହେବେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଦିନିକିଆ ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ରଣସିଂହ ପ୍ରେମ ଦାସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିପାରିନାହିଁ। ଶେଷଥର ପାଇଁ 2018 ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ହାତେଇ ଭାରତ ଗତ 5 ବର୍ଷର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ଆଶା ରହିଛି।
ତେବେ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଭାରତ। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷର ବର୍ଷା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏସିଆ କପ୍କୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତେବେ ବର୍ଷା ହେତୁ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଏଭଳି କିଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି କଲମ୍ବୋର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ସୂଚନା ଥାଉ କି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ ଏଗାରରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଯାହାକି ଅଧିନାୟକ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ୱିକେଟ୍ କିପର ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ବିରାଟ କୋହଲି, ଇଶାନ କିଶାନ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ମହମ୍ମଦ ସାମି, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଆୟାର, ପ୍ରସାଦ କୃଷ୍ଣ, ତିଲକ ବର୍ମା ପ୍ରମୁଖ ରହିଛନ୍ତି।